ये लो भाई, वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमारा एक छोटा मोटा सा पैरेलल रन करवाया जा रहा है, आप तो देख ही सकते हो। तो कपलिंग वगैरह हो गई है और चलते हैं भाई। अब हमारे इंडिया में ना गाइस, प्रेजेंट टाइम में टोटल 8 डबल डेकर एक्सप्रेस अभी चल रही हैं, जिनमें से 6 डबल डेकर एक्सप्रेस एसी डबल डेकर है और 2 नॉन एसी डबल डेकर है। सो हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स आईटीएसजी हियर बैक विद अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम शंटी ड्यूटी करने वाले हैं, जो कि विशाखापट्टनम से तिरुपति को जाने वाली एसी डबल डेकर एक्सप्रेस को हमें शंट करना है। विशाखापट्टनम के प्लेटफॉर्म नंबर पता नहीं कितने पे है, अभी आगे चल के हम देख लेंगे। और आज हम एक नया रूट ट्राई करने वाले हैं, आप लोग देख ही रह सकते हो। अरे भाई बस कर यार, कितना हॉर्न बजाएगा, बात तो कर लेने दो अपने व्यूवर से। हाँ तो गाइस, आज हम एक नया रूट ट्राई करने वाले हैं, जो कि साउथ कोस्ट रेलवे रूट है, आप लोग देख ही सकते हो। और ये विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा तक है, और इसका जो रूट का क्रेडिट जाता है ये हमारे रघु ब्रो को जाता है। और उनका जो मेल आईडी है यार, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको ये रूट में इंटरेस्ट है और अगर आप ये रूट खेलना चाहते हो ना, तो यार जल्दी से जाओ और ये रूट वगैरह आप लोग उनसे कॉन्टेक्ट करके इसका डिटेल्स वगैरह ले सकते हो। तो जल्दी से जाओ, मैंने मेल आईडी जो रूट ओनर का है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। और ये काफ़ी शानदार रूट है। अभी जो मेरे अपकमिंग जर्नी होने वाले ना, बस आप लोग देखते रह जाओगे भाई, कितना अच्छा ये इंडियन रूट है। और ये फर्स्ट इंडियन रूट है हमारे ट्रेन तो पीसी के लिए, जो कि पब्लिकली रिलीज हो चुका है। तो क्या कर रहे हो भाई, आप लोग जल्दी से जाओ और ये रूट की डिटेल्स वगैरह ले सकते हो। और ये क्या भाई, मुझे दूर में कोई ट्रेन दिखाई दे रही है जो कि विशाखापट्टनम पे एंटर कर रही है, आप लोग देख ही सकते हो। और ये कोई वेब 7 के साथ में आई थिंक रेड अलर्ट भी ट्रेन है, आप लोग देख ही सकते हो। और यहाँ पर भी कुछ लोकोमोटिव खड़े हैं यार्ड में, लगता है आराम वगैरह कर रहे हैं। करो भाई आराम, हमें तो अभी ड्यूटी करनी है, जैसे हमारी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी हम भी तुम्हारे पीछे आके आराम करने लगेंगे। और ये देखो भाई, वीडियो के स्टार्टिंग में एक हमारा छोटा सा पैरेलल रन करवाया जा रहा है किसी एलएचबी ट्रेन के साथ में, बट इससे आगे हम जाएंगे नहीं गाइस। अभी हम ब्रेक वगैरह अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें पीछे जाना है और जो डबल डेकर एक्सप्रेस है उसे कपल करना है। चलिए भाई, ब्रेक्स वगैरह लगा दिया है और अभी हम थोड़ा सा रिवर्सल पॉइंट तक आ गए हैं। और अभी यहाँ से हमें पीछे की ओर जाना है। और ये एलएचबी के जो ट्रैक साउंड आ रहे हैं, काफ़ी गजब के ट्रैक साउंड आ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। थोड़ा सा आप लोग ट्रैक साउंड भी कॉन्सेंट्रेट करो यार, काफ़ी गजब के जो साउंड है वो सब आ रहे हैं। और यहाँ पर दूर दूर तक मुझे जो इंडियन रेलवे के कोचेस हैं और इंजन्स वो सब दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं आपको यार एक एक करके सब चीज़ दिखा दूँगा यहाँ पर यार्ड का नज़ारा। पहले मुझे ना अपनी ट्रेन को कपल कर लेने दीजिए और उसके बाद डिपार्ट करवा लेने दीजिए, वरना अगर हम कहीं लेट हो गए ना तो यार डबल डेकर एक्सप्रेस वैसे भी एक प्रीमियम ट्रेन है, ऊपर से अगर लेट हो गए तो यार कितनी डांट पड़ेगी आप लोग समझ ही सकते हो। और यार ये ईओजी कोस तो यार काफ़ी ज़्यादा साउंड कर रहा है यार, आप लोग इसे बात ही नहीं करने दे रहा ये तो। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा था, हम रिवर्सल पॉइंट तक आ चुके थे और अभी हम जा रहे हैं पीछे की ओर। पीछे मतलब हमने अपना जो कैब है उसे चेंज कर लिया है और अभी हम जाएंगे और कपल कर लेंगे अपनी वीएसकेपी से तिरुपति को जाने वाली एसी डबल डेकर एक्सप्रेस को। और आप लोगों में से काफ़ी लोग कोशिश बोल रहे हो ना कि भाई तुम डबल डेकर एक्सप्रेस क्यों नहीं चलाते हो, करो तो भाई डबल डेकर एक्सप्रेस में जर्नी करो। जर्नी क्या बोल रहा हूँ यार मैं, जर्नी होता है वो, तो डबल डेकर एक्सप्रेस में जर्नी करो। हाँ तो यार देखो, आपका ख्वाहिश जो है मैं पूरा करूँगा। सबसे पहले आपको शंटिंग दिखा देता हूँ भाई, क्योंकि पहले ये जाएगी प्लेटफॉर्म पे, पैसेंजर वगैरह लोड करेगी, उसके बाद हम इसे विशाखापट्टनम से लेकर जाएंगे भाई। तो इसके जो गेम प्ले वगैरह होंगे ना वो ज़रूर से लाऊंगा, चिंता मत करो आप लोग। पहले मुझे शंटिंग करवाने दे दो इसकी भाई। और ये देखो भाई, अभी हम आ चुके हैं और अब कपल वगैरह करते हैं हॉर्न मार के। तो फाइनली गाइस, हमने अपनी जो डबल डेकर एक्सप्रेस से एकदम अच्छे से कपल कर दिया है और अभी हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो अपना कैब है उसे कर लेते हैं। कैब क्या यार, लोगों को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर लेते हैं। और यहाँ पर थोड़ा बहुत लैग इशू आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यार मैंने सामने में ना
जो TRW के काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स मैंने लगाए, मतलब इस रूट में भी है, प्लस जो मैंने एक्टिविटी बनाई उसमें भी सारे जो कोचेस और मॉडल्स हैं TRW के, तो थोड़ा बहुत यार लैग आपको देखने को मिल जाएगा, बट अभी आगे चल के ये जो लैग है यार बिल्कुल भी फिक्स हो जाएगा। और यार रूट की जितनी तारीफ करो ना उतनी कम है यार, इतना मतलब आपको इसमें ग्रीनरी वगैरह देखने को मिल जाएगी ना, क्या ही बताऊँगा इसमें। अगर आप ये रूट लोगे ना तभी आपको पता लगेगा भाई कितना। और गाइस ये रियल मतलब ये जो एक्टिविटी यार मैं खेल रहा हूँ ना, ये रियल टाइम बेस्ड एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ ना तो इसका जो रियल टाइम है ना विशाखापट्टनम से डिपार्चर का, आई थिंक वो रात के 11 बजे के आसपास है। तो अभी तो हमारे गेम में जो वो है वो दिन का समय हो रहा है, और अगर मैं रात में ये शंटिंग एक्टिविटी करता ना गाइस, तो आप लोगों को यार ये रूट की ब्यूटी ना दिखाई देती, इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने ये जो एक्टिविटी है यार ये डे में किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये बात समझ ली होगी, और अभी आप लोग कमेंट वगैरह ऐसा नहीं करोगे कि भाई इस ट्रेन का तो नाइट में डिपार्चर है तुम डे में कैसे दिखा रहे हो। तो मैंने आप लोगों को बता दिया भाई ये रियल टाइम बेस्ड एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। और रूट की बात कर रहा था मैं, तो भाई रूट की जितनी भी तारीफ करो उतनी कम है। आप लोग यार मेरे कहने पर एक बार ज़रूर से ट्राई करो यार, ये रूट काफ़ी रियलिस्टिक रूट है और काफ़ी लंबा रूट है भाई, आप लोग ना इसे खेल ही नहीं पाओगे भाई एक बार में, इतना लंबा रूट है ना भाई क्या ही बताऊँ मैं। तो मेरे कहने पे यार एक बार ज़रूर से ट्राई कर लेना, मैं आप लोगों को गलत सजेशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और यहाँ पर हमारा जो ट्रेन है उसका ट्रैक वगैरह चेंज हो रहा है, आप लोग देख ही सकते हो काफ़ी अच्छे से जो ट्रैक वगैरह चेंज हो रहा है। और ये क्या भाई, एक और क्रॉसिंग मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो डुअल वैगनैन के साथ में कोई घूस ट्रेन का यहाँ पर क्रॉसिंग चल रहा है, आप लोग देख ही सकते हो। और यहाँ जहाँ तक मुझे ये है BCNA रेक्स लग रहे हैं, तो BCNA रेक्स लेकर जा रही है यहाँ पर डुअल वैगनैन, आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर यार्ड में कुछ और जो ICF कोचेस हैं वो रखे हैं, और हमारा WDS6 लगातार होंगी वगैरह मार रहा है। और ये देखो भाई ICF कोचेस को अच्छे से रखा गया है यहाँ पर। तो चलिए गाइस अभी आपको थोड़ा सा जो लेफ्ट साइड से नज़ारा है वो भी मैं दिखा देता हूँ, वरना आप लोग कंप्लेन करने लगोगे भाई कमेंट में। ये देखो भाई यहाँ पर लगता है डुअल वेबसाइट खड़े हैं, हाँ यार ये वेबसाइट हैं। और कौन सी सड़क है मुझे जहाँ तक देखने से लग रहा है ये वडोदरा के वेबसाइट लग रहे हैं मुझे, और एक नहीं दो वेबसाइट हैं। और दूर में आपको एक मालगाड़ी भी दिखाई दे रही होगी कोई BCNA रेक्स के साथ में, और जहाँ तक इसका लोकोमोटिव है वो भी डुअल है यार, तो आज डुअल लोकोमोटिव की तो बरसात हो गई है भाई। और जहाँ तक मुझे लग रहा था उस मालगाड़ी का WDG4D लोकोमोटिव लगा हुआ था, और ये मालगाड़ी का तो क्रॉसिंग हो ही रहा है, और ये जा रही है भाई कहीं लगता है अपने डेस्टिनेशन पर जा रही है, और वहाँ पर ही सामान वगैरह लोड या फिर अनलोड करेगी। चलिए मालगाड़ी से हमें क्या करना है, हमारी डबल डेकर एक्सप्रेस है और इसे हमें शंट करना है विशाखापट्टनम के प्लेटफॉर्म नंबर यार आई थिंक 1 या फिर पता नहीं यार, मुझे जहाँ तक लगता है यार डबल डेकर एक्सप्रेस को तो 1 पे दिया जाएगा, देखते हैं अभी वहाँ चल के क्या होता है भाई सीन। और हाँ गाइस आप लोगों में से किसने किसने डबल डेकर एक्सप्रेस में जर्नी किया है, मैंने तो यार एक ही बार किया है, आप लोगों ने कितनी बार किया है ज़रा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा मुझे, क्योंकि यार मैंने तो एक बार किया है, और मैंने लोअर डेक और अपर डेक दोनों में जर्नी किया था भाई, क्योंकि मेरी आते समय और जाते समय दोनों में डबल डेकर एक्सप्रेस नहीं थी, तो यार मैंने अपर डेक में भी और लोअर डेक में भी किया था। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ना, जो लोअर डेक होता है यार वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ पर जो लगेज वगैरह रखने में प्रॉब्लम होता है, और जो अपर डेक होता है यार काफ़ी खुला खुला सा होता है, तो अपर डेक में यार काफ़ी ज़्यादा मुझे मज़ा आया एज़ कम्पेयर टू लोअर डेक, और लोअर डेक में यार काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई मुझे। तो आप लोग जब भी सीट वगैरह बुक कराना तो देखना यार अपर डेक में ही कराना, क्योंकि अपर डेक यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, और जो बाहर का ऊपर से जो नज़ारा आता है ना वो भी रियलिस्टिक लगता है। और यहाँ पर जो रूट का नज़ारा आप देख सकते हो, यहाँ पर जो एड्स वगैरह थे पीछे में वो भी लगाए हुए थे पोस्टर वगैरह। और अभी जो हमारी ट्रेन है यार वो ट्रैक वगैरह चेंज कर रही है, आप तो देख ही सकते हो। और ये देखो ऐड वगैरह लगा के रखा गया भाई, पता नहीं यार रघु भाई ने कितना कितना यहाँ पर प्रमोशन वगैरह किया है, चलिए कोई बात नहीं यार। ये देखो भाई और यहाँ पर जो हमारी डबल डेकर एक्सप्रेस उसका ट्रैक वगैरह चेंज हो रहा है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना तो भूल ही गया गाइस,
अभी हम इसे सेंड कर रहे हैं ना, उसके बाद हम इसे लेकर भी जाएंगे भाई विजयवाड़ा की ओर। आप लोगों को मैं इतना बता देता हूँ भाई, अभी तो आप लोग देख ही सकते हो, अभी हम इसे सेंड वगैरह कर रहे हैं और उसके बाद में ना गाइस हम इसे यार चलाएंगे भी। आप लोग चिंता मत करना कि हम इसे सेंड नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम इसे चलाएंगे भी और लेकर जाएंगे इसके डेस्टिनेशन की ओर। और अभी तो यार बहुत ही ढेर सारी जो ट्रेन जर्नीस है वो बाकी है भाई इस रूट पर, अभी तो ये रिलीज ही हुआ है। तो भाई अगर आपको ये रूट पसंद आए ना तो जल्दी से भाई इसकी जो डिटेल्स वगैरह वो देख लो भाई, डिटेल्स वगैरह आप लोग देख लो यार, रूट की डिटेलिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा करके रखी है। और अगर आपको रूट की रिगार्डिंग कोई भी डिटेल वगैरह चाहिए तो फिर मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया रूट ओनर का, आप लोग जल्दी से जाओ और उनसे जितना भी क्वेरीज है क्वेश्चन वगैरह आप लोग पूछ सकते हो इस रूट के रिगार्डिंग। और ट्रैक साउंड वगैरह कैसा लग रहा है हमारे डबल डेकर रास्ते के कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। ट्रैक साउंड तो यार काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक आ रहा है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो प्लेटफॉर्म वगैरह यहाँ से दिखाई दे रहा है मुझे, और अभी हम एंटर करने वाले हैं VSKP के प्लेटफॉर्म नंबर आई थिंक 1 पर हमें दिया जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारा जो ट्रैक वगैरह है वो चेंज हुआ है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है 1 पर ही हम आएंगे। और ये देखो यहाँ पर जो लगेज वगैरह है वो सब रखा है भाई, बॉक्सेस वगैरह सामान वगैरह। और रूट की डिटेलिंग आप यहाँ से बस देखो, ये देखो भाई आपको इस रूट में जो प्लेटफॉर्म के बोर्ड वगैरह वो सब रियलिस्टिक वाले देखने को मिल जाएंगे। और मैं आपको इतना गारंटी के साथ बता सकता हूँ यहाँ पर ना आप लोगों को जो मूविंग पीपल्स वगैरह है ना, पैसेंजर वगैरह, वो सब प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगे। तो भाई अगर आप लोगों को ये पसंद आए ना तो यार ये रूट ज़रूर से आप लोग ट्राई करना भाई, काफ़ी रियलिस्टिक रूट है। आप लोगों को यहाँ पर मूविंग पीपल्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे हर एक प्लेटफॉर्म पे, और प्लेटफॉर्म की जो डिटेलिंग वगैरह वो सब अभी आपको लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये देखो भाई आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर मूविंग पीपल्स वगैरह हैं। चलिए मैं आपको पीछे से जो है वो दिखा देता हूँ कि हमारा जो पूरा ट्रेन है वो एंटर हुआ कि नहीं भाई प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे ही हमारा पूरा ट्रेन एंटर हो जाएगा ना हम ब्रेक वगैरह भाई अप्लाई कर देंगे। तो लगभग लगभग गाइस जो हमारा पूरा ट्रेन है वो एंटर हो चुका है, तो चलिए भाई अब ब्रेक्स वगैरह जल्दी से अप्लाई कर देते हैं वरना हमारी ट्रेन यार ज़्यादा ही अंदर आ जाएगी प्लेटफॉर्म पे। हाँ तो यार हमने ब्रेक्स वगैरह अप्लाई कर दिया और हमारा जो ट्रेन है वो सक्सेसफुली यहाँ पर रुक चुका है, आप लोग देख ही सकते हो। और यहाँ पर भी कोई ट्रेन वगैरह तो खड़ी है भाई हमारे साइड में, मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले जो हमारा लोकोमोटिव है उसे डीकपल करके आगे थोड़ा भेज देते हैं, वरना यार जो लोकोमोटिव आएगा और इस डबल डेकर एक्सप्रेस को कपल करेगा ना वो इस WDS6 लोकोमोटिव को भी अपने साथ ले जाएगा, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से हम डीकपल कर लेते हैं अपने लोको को इस ट्रेन से। और ये देखो भाई सक्सेसफुली हमारे जो डीकपलिंग का काम है वो हो चुका है, और अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और लोकोमोटिव को आगे जाके थोड़ा सा रोक देंगे। बस भाई अब ब्रेक्स वगैरह अप्लाई कर देते हैं। तो सक्सेसफुली ये जो लोकोमोटिव है ये रुक चुका है, और अब चलते हैं अपने डबल डेकर एक्सप्रेस के पास में। और यहाँ पर आपको एक LHB ट्रेन भी दिखाई दे रही होगी, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मॉडल्स का क्रेडिट तो यार डी लर्निंग वेस्ट को ही जाता है, और इसका जो लोकोमोटिव लगा हुआ है वो है WAP-7 लोकोमोटिव। और यहाँ पर भी देख सकते हो कितने ज़्यादा तो पैसेंजर वगैरह वो टहल रहे हैं भाई इस प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस आज के वीडियो में आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा ये चेंजिंग एक्टिविटी तो फिर ज़रूर से एक लाइक ठोक के जाना, और अगर यहाँ पर आप पहली बार एंट्री मारे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि आपको ढेर सारे ट्रेन से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। तो यार अभी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और जर्नी के साथ में, तब तक के लिए सायनारा और बाय।